पेशेंट ऐसे हालत में है शौकत है, मेरे वाइफ का डिलीवरी हुआ था एक हफ्ता पहले, उसकी तरफ से तो दो दिन के बाद फीवर आया था, तो हम लोग जो भी एंटीबायोटिक्स तुम्हें दिए थे वो खा लिए करे थे। उसके बाद में जो है ना मैं यशोदा हॉस्पिटल आया था, क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है शहर का। उसके बाद से हम लोग इस पर ट्रस्ट करके हम यहाँ पर आए। आने के बाद में ये लोग सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह करे, 15,000 से कैश पे करे, जबकि मेरे पास इंश्योरेंस मिनी इंश्योरेंस कार्ड है, 5,00,000 का मेरा लिमिट है। उसके बावजूद भी ये कैश में होता बोलता, मैं कैश में दे दिया और इंसुलेशन वॉट अवेलेबल है, 50,000 डिपॉजिट करा हुए। तो वाला इंसुलेशन वॉट का डिपॉजिट नहीं कराता आप, मैं जाके कोविड का टेस्ट सस्पेक्ट है बोले, तो मैं जाके जो है ना ये लोग गांधी हॉस्पिटल लिखे, तो मैं क्वारंटीन में जाके इसका टेस्ट करा के आ गया और वो नेगेटिव निकली रिपोर्ट। अब आ गया ये बोला क्या सर, देखिए जो जो इन्वेस्टिगेशन हो गए थे, कोविड का टेस्ट भी जो है तो नेगेटिव आया, उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन आप करिए। तो बोलते अब नहीं लेते, और क्यों नहीं लेते, तो बोलते कि अभी जो है वार्ड फुल है, इंसुलेशन वार्ड फुल है। तो उसके बाद में जो है तो ये बोलना है कि आप जो है तो इस तरह से कि आम आदमियों के साथ ये हरकतें करेंगे तो कैसा हूँ। मैं बोला क्यों नहीं लेते, लिख के दियो। तो लिख के देने तैयार नहीं, मतलब क्या वजह है। तो बोलते आप दोबारा अपोलो हॉस्पिटल को जाइए, आप अपोलो पहले क्यों लिए थे, पहले जब कैश में जब आ रहा है पेशेंट, और अभी भी अगर मैं 50,000 जमा करने तैयार हूँ तो इंस्टीट्यूशन वार्ड वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पर। और इस तरह से यशोदा वाले जो है ना एक आम आदमियों के साथ ये खेल रहे हैं, और ऑलरेडी जो है मैं चादर कार्ड सोल्यूशन पर फ़ोन करके वर्बली कंप्लेंट करके और रिटर्न कंप्लेंट करने वाला हूँ, हेल्थ मिनिस्टर को भी देने वाला हूँ, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को भी देने वाला हूँ, क्योंकि नया जिस तरह से रूल्स आए कि हम डॉक्टर्स कुछ कोई बदतमीजी नहीं करें। मतलब ठीक है सर आप क्यों नहीं ले रहे हैं, लिख के दे दीजिए। वो लिख के देने से भी इनकार करें और ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स की भी अपनी चॉइस है कौन से पेशेंट को लेना या नहीं लेना। तो इस तरह से अगर डॉक्टर्स की मोनोपोली चलेगी तो एक आम आदमी कैसा शहर में काम करेंगे, कैसा जी। बस इस पे आप थोड़ा सा कुछ करिए। आपकी मिसेज कहाँ पर है? 7 पैसे आके बैठा हूँ मैं कार में, कोई अटेंड करने वाला भी नहीं है, कम से कम और कोई इशू नहीं है। रिवाइव फीवर के मैं बता रहा हूँ कि फीवर है और कोई इशू नहीं है। कोविड का टेस्ट नेगेटिव आया है, फीवर का ट्रीटमेंट करिए, 5,00,000 का इंश्योरेंस कार्ड रख दिया हमें, आप रूम बुक करिए, रख के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फीवर के ऊपर क्यों नहीं ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उनको इस पे बिल नहीं आती, ये कमर्शियल नहीं है। अगर से आइसोलेशन वार्ड वगैरह बोलते 50,000 है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये मोनोपोली चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। कितनी देर से आप यहाँ पर थे? 2 घंटे से जो है बराबर MRI से बात करा, दूसरों से बात करा, ये नहीं सुन रहे हैं। इसके वास्ते मैं जो अपनी तरफ से एक्शन लेना है और लूँगा, और अपोलो की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आज की तारीख में यहाँ पर कितने पेशेंट थे और ये किस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है बोल रहे हैं। अभी अगर पैसे देंगे 50,000 या 1,00,000 कैश देंगे तो होगा, इंश्योरेंस के ऊपर लोग इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, और अच्छे खासे आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ का हॉस्पिटल का इन्वेस्टिगेशन करें और इस तरह की कोई दूसरी हरकत कोई आम आदमी के साथ ना हो। जब हमारे जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमियों के साथ इस तरह से कर रहे हैं तो अब हम इनके बारे में तो बहुत कुछ करेंगे। अभी इनको हम छोड़ने वाले नहीं है, अभी मैं जाऊंगा इसकी रिटर्न कंप्लेंट दूंगा या चादर घाट में दूंगा, मिनिस्टर को दूंगा, और इसकी बराबर इसके ऊपर हम एक्शन ले करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, कि हमारे साथ ये हुआ तो एक आम आदमी कितना किस तरह सफ़र कर रहा होगा। तो हम आप लोगों से ये चाह रहे हैं कि आप भी आवाज़ को ये बताइए कि आम आदमी कितना परेशान हो रहा है इस, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल अपनी मोनोपोली चला रहे हैं इस दौर में, जबकि कोविड के दौर में लॉकडाउन के दौर में हर एक आदमी छोटे से छोटा आदमी बड़े से बड़ा आदमी परेशान है, और ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल। बस आपसे ये गुजारिश है, ये कीजिए आप, मेहरबानी है, शुक्रिया।